सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार व्या नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह की लगभग 8:30 हो रही है और आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी धूप खिली हुई है। दोस्तों मेरी भी तैयारी हो गई है गुप्त काशी जाने की, और ना आज कॉलेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। पहले तो कॉलेज में जाना है, फिर उसके बाद फॉर्म भरना है। तो किस चीज़ का फॉर्म भरना है मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, अभी ना लेट भी हो गया है। मैं शायद गुप्त काशी से अगस्त मुनि भी जा सकती हूँ। और मम्मी ने देखे यहाँ पे दीदी के लिए कुछ हरी सब्जी हो गया, और दीपावली का कलियो भी रख रखा है, और साथ में ये रख रखा है सरसों के दाने, लहसुन वगैरह रख रखी है दीदी के लिए, और साथ में दूध भी रख दिया है मम्मी ने। यहाँ पे बैग भी रेडी हो गया है, और कुछ ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख दिए हैं मैंने कॉलेज के। तो चलिए जी अब चलते हैं। और बाहर देखिए काफ़ी तेज़ धूप भी लग गई है, अभी इधर साइड धूप नहीं लगी हुई है। और रास्ता देखिए पूरा देखिए गीला हो रखा है, और उधर की साइड धूप लग गई है। इतना लेट हो गया है ना मुझे, और आज ना बाबा केदारनाथ की डोली भी रामपुर से अट जाएगी, और ना दर्शन के लिए भी नहीं हूँ, क्योंकि आज ना मैं शायद अगस्त में नहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि अब मामा की शादी की शॉपिंग भी करनी है मुझे। तो फाइनली अभी मैं रोड में भी पहुँच गई हूँ, और राखी और निकिता मेरा वेट कर रहे हैं फाटा मार्केट में। और यहाँ देखिए रोड में काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है, और रोड ना काफ़ी सुनसान हो गई है। हमें इतना सारा काम है ना, तो पहले तो कॉलेज में जाना है, वहाँ से ना कुछ काम है, फिर उसके बाद ऊपर गुप्तकाशी मार्केट आना है, और वहाँ हमने भरना है फॉर्म। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ गुप्तकाशी मार्केट में, और यहाँ ना लोकल गाड़ी नहीं लगी हुई है, अब लोकल गाड़ी का वेट करना पड़ेगा। गुप्तकाशी मार्केट में, तो यहाँ से चलते हैं फॉर्म भरने के लिए। और ये रहा केदार घाटी का मेन मार्केट गुप्तकाशी मार्केट, और यहाँ देखिए ट्रैफिक भी लग चुका है। फॉर्म भरने के लिए, और हमने पहले सोचा था कि हम जाएंगे पहले कॉलेज, लेकिन हम कॉलेज नहीं गए क्योंकि कॉलेज जाएंगे बाद में। पहले हमें ना फॉर्म भरना है, फिर फॉर्म की फोटोकॉपी लेके चलनी है कॉलेज में। और राखी की ना फीस की रसीद थी, तो हमने वो सर से मांग ली है। यहाँ पे सभी ना कॉलेज की फ्रेंड आ रखी हैं फॉर्म भरने के लिए। हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे सभी आ रखे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो कैसे हो भाई तुम सब? यहाँ पे पहले फॉर्म भर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई है मुझे। हेलो, बस बढ़िया, तू कैसी है? और किसने देखिए दांतों पे ताला लगा रखी, जरा हंस तो, शर्म आ गई। पहले हमारे कॉलेज की अध्यक्ष थी, लेकिन अब रिटायर हो गई है। तो कैसा लग रहा है रिटायर होकर? अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा काम कम पड़ रहा है। ये पार्टी नहीं दे रही है? पार्टी? अच्छा जी, ये पार्टी नहीं आएगी तो पता नहीं। पेपर के फॉर्म वगैरह तो भर लिए हैं, अब हमें ना अगस्त मुनि के लिए लोकल गाड़ी में बैठना है। किसू की तैयारी हो गई है कॉलेज जाने की, और
हम जा रहे हैं कॉलेज फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि हमने सेकंड मतलब सेकंड ईयर का फॉर्म भरा था पेपर का, तो उसको जमा करने के लिए जा रहे हैं। और बार बार कौन आ रहा है कॉलेज, वैसे आज मैं अगस्त मुनि चली जाऊंगी, और फिलहाल चलते हैं और कुछ आगे से जा रहे हैं कई लड़कियां। मुझे सपोर्ट कर देना पहाड़न किशू ब्लॉगर करके, आप मुझे सपोर्ट कर देना, तो और इसके चैनल को भी जरूर सपोर्ट करना। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पैदल, और यहाँ रास्ते में ना कई पेड़ हैं घास फूस के, और यहाँ देखिए वो भी हो गई है, बुआई भी हो गई है, और कई कई खेत में नहीं हुई है। यहाँ पे है तिमलू का पेड़ हो गया, कड़वी हो गया, और यहाँ पे इतनी अच्छी छांव है ना पेड़ों की। और यहाँ देखिए पेड़ों का जो नियार होता है ना मतलब खेतों का, तो देखिए ऐसे पेड़ों पर लगाया जाता है। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं कॉलेज में, तो अब फॉर्म जमा करते हैं। तो ये रहा हमारा कॉलेज, और अभी ना पढ़ाई चल रही है कॉलेज की। चलिए जी, मैंने फॉर्म भी भर दिया है, अब मुझे फिर से जाना है गुप्तकाशी मार्केट, और वहाँ से मुझे ना लोकल गाड़ी में बैठना है, और राखी भी है साथ में। लोगों का कमेंट रहता है कि आप कॉलेज कहाँ रहती हो, तो मैं रहती हूँ गुप्तकाशी में, और हमारे कॉलेज का नाम गंगाधर मैठाणी विश्वविद्यालय गुप्तकाशी है। और ये रहा गंगानगर का पुल, तो दीदी मुझे लेने के लिए आ रही है। मैं पहुंच गई हूँ गंगानगर में, अब दीदी के रूम पे चलते हैं, बाकी कुरकुरा वगैरह मैंने रख लिए हैं छोटे बच्चों के लिए। आ रही हूँ दीदी के यहाँ पे, और यहाँ पे है सानवी, हाय करो। शर्मा रही है। दीदी ने मुझे गर्मा गर्म लंच भी परोस दिया है, और लंच में है चौंसा हो गया और भात, तो पहाड़ी लोग ज़्यादातर दिन में भात खाना पसंद करते हैं, तो गर्मा गर्म लंच कर देते हैं, और काफ़ी तेज़ भूख भी लग गई है। इतने सारे चक्कर मारे ना कॉलेज, पहले गुप्तकाशी से कॉलेज, फिर कॉलेज से गुप्तकाशी, फिर वहाँ से बैठी मैं लोकल गाड़ी में, तो आज काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है और सिर भी दर्द होने लग गया है। तो दोस्तों दीदी के रूम पर ही पहुंच गई हूँ, और ना जब भी मैं गाड़ी का सफ़र करती हूँ ना, तो मेरा सिर दर्द हो जाता है और आंखें भी दर्द करती हैं, और हिचकी भी आ रही है। अभी तो शाम की 4:30 भी हो गई है, और ना अब मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, बाकी दीदी लगी हुई है घर के कामों पर, और दीदी जा रही है छोटे बच्चों को लेने के लिए। और तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।